कमाल होगा वहां, कमाल। हम 125 तोपों की सलामी देवाना चाहता हूं हार्दिक पांड्या को उनकी कप्तानी पे और उनकी बैटिंग पे। आपके पास बुमराह है, आप उससे बॉलिंग नहीं करवा रहे, हार्दिक पांड्या खुद बॉलिंग करवाने आ रहा है। एक एक 17 साल के अंडर 19 के बच्चे से ये पहला ओवर करवा रहा है, ये पागलपन नहीं तो और क्या है। रोहित शर्मा नो डाउट आपको पता है वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, बिल्कुल। तो उसके साथ गलत हुआ था तो ऊपर वाला भी उसके बारे में सही दिखा रहा है कि उसके साथ गलत हुआ है। अब मुझे बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं बुमराह के बारे में कैसा बॉलर है, आपकी क्या राय है? खतरनाक बॉलर है, दुनिया में नाम है उसको भाई। दोनों मैचों में पावर प्ले में एक ओवर करा रहा है। हाँ, ये मैं एक और लास्ट में बॉलिंग करवा रहा है उससे, जो गलत है। कप्तानी करना नहीं आ रही, वो ऐसे फैसले कर रहा है जिससे टीम को नुकसान हो रहा है। Is he under pressure somehow? क्या उसको वो रोहित की जो एक बूम है, क्या वो अंडर प्रेशर आ गया कि यार ये कोई कंपटीशन आ गया है और मैंने प्रूव करना है, प्रूव भी नहीं हो पा रहा, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम? ये तो जहां पे भी वो खेलेगा, चाहे मुंबई का ग्राउंड हो, वहां पे भी उसके अगेंस्ट शोर मचेगा। क्योंकि देखिए, मैं इस तरह मिसाल देता हूँ, एक होता है कप्तान बनाया जाता है ना जिसमें टैलेंट होता है, इसको ऊपर से लेकर आए, गुजरात से ऐसे लेकर आए और मुंबई में कप्तान बना दिए, तो गलत है, मुंबई वालों का बैड डिसीजन है। अगर मुंबई इंडियंस टॉप फोर में नहीं पहुंचेगा तो अगले साल बहुत से लोग, मार्क बाउचर का आखिरी साल होगा, ये पांड्या का आखिरी साल होगा मुंबई की तरफ से। लेकिन मेरी, क्योंकि मैं भी क्रिकेटर हूं, मेरी बेस्ट विशेज है पांड्या के साथ के थोड़ा सा रोहित शर्मा को से बात करें, उसको ग्रुप में लेके उसका मसला माने। जो बॉलिंग चेंजिंग आज वो कर रहा था, देख के अफसोस हो रहा था मुझे कि पिटाई हो रही है और वो उसकी बॉलिंग सिलेक्शन ही गलत थी। सबसे बड़ी तो बड़ी बात है कि उन्होंने जो साउथ अफ्रीकन 17 साल के बच्चे को खिला दिया ना अपना बाउचर साहब ने, वो बहुत बड़ी जाति कर दी। क्रूशियल मैच है, अवे मैच है। और उसके बाद हार्दिक द क्विक फू पांड्या, अबे मुंह छुपा बेशरम, शरम से मर जा डूब के। दो बालों में 10 आ गया, 3 बालों में 10 रहा, फिर अगली भाईजान 17 बालों में इन्होंने 14 रन बनाए हैं। अब बताएं मेरे लिए क्या हुक्म है? और वो टीम डेविड भी 9 बालों में 2 छक्का मारा है, वो तो पहली 2-3 तो डॉट खेल लिया उसने भाईजान। वो जो टीम डेविड है उसने भी कोई 5-6-7 बालों में 2-3 बनाए हुए थे। उसके बाद उसने कहा जनाब छक्के ऐसे लगाए जाते हैं। हैट्स ऑफ टू पैट कमिंस, व्हाट अ चैंपियन कैप्टन ही इज। 150 पे, अच्छा आखिरी ओवर इसने भी वैसे स्पिनर को दिया मारखंडे को, लेकिन 36 भी आ जाता तो 11 रन से सनराइजर जीत जाता। तो ये होती है अक्कल। देखिए आप, उसने भुवी को 20 रन आए, उनटकट को 14 रन आए और इसने 5 रन का, जहां पे रिजवान साहब वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, दुनिया की किसी क्रिकेट लीग में एक मैच पे 35 छक्के नहीं लगे, 500 से ज्यादा रन तकरीबन रिजवान साहब 550 के करीब रन बने हो और उसमें 35 रन दिए हो, 2 विकेट लिए हो, ये है कप्तान। फिर आप बुमराह को 14वें ओवर में लेके आ रहे हो, उधर भी बुमराह ने आके आपको मैच बचा के दिया। फिर हार्दिक पांड्या साहब खुद ओवर करवाने आए, 4 ओवर में 46 रन इसको पड़ा, 1 विकेट इसने लिया और चलो वो साइड हो गया, 277 पड़ गए हैं, 277 पड़ गए हैं। इस टीम में बॉन्ड नहीं है, हार्दिक पांड्या अपनी मर्जी कर रहा है, हार्दिक पांड्या छपरी अपनी मर्जी कर रहा है, वो ठीक है, वो बात अलग है। फिर दूसरी बात चीज क्या हुई है, फिर दूसरी चीज ये हुई है कि हार्दिक पांड्या ने जो बैटिंग में ब्लंडर किया ना, मतलब मैं सर पकड़ के बैठ के हूं, मुझे मेरे घंटे के किंग, मुझे इसकी याद आ गई है, मुझे इसकी याद आ गई है जो हार्दिक पांड्या आज कर रहा था भाई। 277 के चेज में तूने 20 बालों पे 24 रन किए भाई। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जनाब गवर्नमेंट हिंदुस्तान से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अंबानी साहब वैसे भी वो प्री वेडिंग में भी अगर अरबों लगा देते हैं तो क्या, अगर 125 तोपों की सलामी और उनकी बेगम साहिबा जो होंगी वो उस तोप के दाने पे बैठी होंगी। शर्त ये है कि वो, क्योंकि ये सब किया देरा जो है इनकी, ये जो अनमोल रतन है, ये जो तोहफा है, कबूल उनको ही नीता अंबानी जी को ही करना पड़ेगा, और कोई ये तोहफा कबूल नहीं कर सकता। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, रिजवान हैदर साहब कमाल है। देखें ये होती है कप्तानी। पैट कमिंस को देखें, 10.3 ओवर में 150 रन से, फिर जाके दूसरी विकेट नमन की गिरती है,
तीसरी विकेट 150 के चेज में भी इस तरह रन नहीं करते। और भाई 277 का 177 का रन चेज कर रहा हो ना, तो बंदा इस तरह की बैटिंग नहीं करता जो तूने आज की है, जो तू आज करके गया ना। 277 के चेज में भी, सॉरी 177 के चेज में बंदा इस तरह की बैटिंग नहीं करता। देखो मैं खड़ा हूं रोहित शर्मा के साथ, मैं खड़ा हूं, मैं विराट कोहली का फैन हूं, सबसे बड़ा फैन हूं, लेकिन मैं विराट कोहली का ट्रू फैन हूं। लेकिन भाई मैं क्रिकेट के लिए रोहित शर्मा को जानता हूं कि उसकी क्या अचीवमेंट है या उसकी क्या सैक्रिफाइसेस है मुंबई इंडियंस के लिए। उस बंदे ने मुंबई इंडियंस को इधर से इधर रखा। आज अगर मुंबई इंडियंस 5 टाइटल लेके बैठा हुआ ना, तो उसके पीछे रोहित शर्मा का हाथ है। कोई है रोहित शर्मा का फैन ना, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ रोहित शर्मा के लिए लिख के जरूर जाना। और ये अभी आपको एक बात बता रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है हार्दिक पांड्या से कप्तानी वापस ले ली जाएगी। अब मुझे ऐसा लगता है, अगर आपको भी लगता है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हार्दिक पांड्या से कप्तानी वापस ले ली जाएगी, रोहित शर्मा को कप्तानी दोबारा दी जाएगी इस सीजन में। हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा के अंडर खेलेगा ये मुझे लग रहा है। ये अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज इस तरह की आई नहीं है, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा अब कप्तानी वापस रोहित शर्मा करेंगे। और वो डिजर्व भी करता है ना, इतना बड़ा कप्तान, 5 ट्रॉफियां, ये छपरी क्या करेगा उसके आगे। मतलब भाई तूने तीसरे ओवर में हाथ खड़े कर दिए थे, फिर तूने रोहित शर्मा को बोला कि अब तू मुझे ग्राउंड में चक्कर लगवा। भाई तू अपनी मर्जी कर रहा है। फिर मेरी एक बात सुन, देखो आईपीएल सबसे बड़ी लीग है, मजा आया आज एज अ पाकिस्तानी, मुझे बड़ा मजा आया आज के मैच में। 523 रन बने हैं, छक्के चौके लगे हैं, लेकिन मुझे मुंबई इंडियंस के लिए बुरा इस वजह से लगा कि यार मुंबई इंडियंस इतनी सक्सेसफुल फ्रेंचाइज इसके साथ होकर है, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने रोहित शर्मा को सताया, उत्तर जी ने रोहित शर्मा को सताया, उन्हें खींच लाया, ये सीरियस बात है। ये है कप्तान रिजवान साहब, भूमि को पहले ओवर में कुट पड़ गई, दूसरे में इसको नटखट को ठीक ठाक कुट पड़ गई, उमरान मलिक को कुट पड़ी, मरखंडे को कुट पड़ी, हर एक को पड़ी, लेकिन ये है पैट कमिंस, इस तरह होती है कप्तानी। कुंगफू पांड्या साहब अब आपके साथ जो है आप ही नींबू पानी पिए, क्योंकि नारियल पानी तो पीते हैं आशीष नेहरा साहब, और जो अंबानी साहब आपकी बेगम साहबा जो है उनको समझाए, अभी भी वक्त नहीं गुजरा, अभी भी वक्त नहीं गुजरा। ये कुंगफू पांड्या जो है ना, ये मुंबई इंडियन को बढ़वा। अब अगर कुछ लोग ये कहें रिजवान हैदर क्या जी 246 रन तो मुंबई ने भी किया, तो भाई 31 रन से फिर भी हार गए। भाई आपका कप्तान तो किया, ये पूरा भी हो सकता था। ओ भाई मेरी बात तो बीच में, मेरी बात तो सुने। बात ये है कि कमिंस की कप्तानी देखें, 150 था 10 ओवरों में, इनका 148 था, उनका 150 था, ठीक है। कमिंस की कप्तानी देखें और इसकी हार्दिक पांड्या की कप्तानी देखें, हार्दिक ने 10 ओवरों में एक ओवर दिया था बुमराह को जिसने 5 रन दिए थे, एक ओवर। और ये कमिंस देखे सारे अपने षड्यंत्र रचा के, अपने बॉलर्स को बेहतरीन तरीके से लगा के, और जनाब उनदगढ़ ने वो जो नमन को आउट किया, फिर भाईजन चमन ही पूरा उलट गया, पूरा चमन। उसके बाद ये हालांकि तिलक वर्मा अच्छा खेला है, अच्छा 22-23 बॉलों में 24 बॉलों में 50 किया, बट इट वॉज टू लिटल टू लेट आखिरी ओवरों में ऐसा। तो दोस्तों कल का जो मैच था सनराइजर हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच में, तो भाई उस मैच के अंदर 277 रन किए थे हैदराबाद ने, और मुंबई इंडियंस के जितने भी बॉलर थे सभी की खूब जमकर पिटाई हुई है। और उसकी जो पूरी गलती है, सारी गलती जो कप्तान, जो नए कप्तान जो लेकर आए हैं मुंबई इंडियंस वाले हार्दिक पांड्या को, तो भाई वो कहाँ से उठाकर लाए हैं आप सभी को तो पता ही है। उसके बाद जैसे ही उस मुंबई इंडियंस में लाए हैं तो भाई रोहित शर्मा को कैप्टनसी छोड़नी पड़ी है, और उसके बाद मुंबई इंडियंस की हालत क्या हुई है आप सभी को तो पता ही है। और भाई हार्दिक पांड्या ने जो गलती की है उसके वजह से जो मुंबई इंडियंस को भारी जो है नुकसान भुगतना पड़ा है। हार्दिक पांड्या को इतना ज़्यादा कैप्टनसी का एक्सपीरियंस नहीं है जितना रोहित शर्मा को है, और रोहित शर्मा सीनियर खिलाड़ी रहे हैं और टीम इंडिया की कप्तानी की है उन्होंने, और अब इस जो क्रूशियल टाइम है मुंबई इंडियंस जैसी टीम के अंदर वो कप्तान रहे हैं, उनको हटाकर फिर से हार्दिक पांड्या को लेकर आना, तो भाई ये ना तो क्रिकेट फैंस को पसंद है और ना ही जो मुंबई इंडियंस की टीम है उनके लिए ये सही था, क्योंकि उनका ये डिसीजन था उसकी वजह से कल का मैच पूरा ख़राब हो गया, मिट्टी में मिल गया सब कुछ। और रोहित शर्मा के साथ जैसे वो ट्रीटमेंट कर रहे थे, कभी उसको मैदान में इधर उधर भेज रहे थे, कभी कह रहे थे उधर जाओ, कभी मतलब एक सीनियर की मतलब इंसल्ट जो हो रही थी, तो उससे सभी क्रिकेट के फैंस बहुत दुखी थे, क्योंकि वो जो उनके साथ कर रहे थे तो वो ऐसा लग रहा था कि उनके साथ वो ज्यादती कर रहे हो, मिसबिहेव कर रहे हो,
मतलब वो अच्छा फील नहीं हो रहा था कि भाई किसी दूसरे के कहने पर एक जो कैप्टन है वो इधर उधर जा रहे हैं, और सारी की सारी जो कमी है वो पूरी हार्दिक पांड्या के अंदर थे, पूरी सारी गलती उन्होंने की है, क्योंकि उनको जो कैप्टनशिप करनी नहीं आती, उधर से जो स्टार्टिंग के अंदर ही जो ये अफ्रीका का जो प्लेयर था सबसे ज़्यादा उसकी कुटाई है, ये मफाका कौन था उसके बहुत ज़्यादा उसने 66 रन दिए हैं, उसके बाद बुमराह को शुरू में स्टार्टिंग में मौका नहीं दिया, तो भाई ये सारी जो प्लानिंग थी, ये जो जितना ये 270 रन का जो रिकॉर्ड बना है ये सब हार्दिक पांड्या की गलती की वजह से बना है, नहीं इतना स्कोर नहीं कर पाती सनराइजर हैदराबाद अगर वो शुरू से ही जो बॉलिंग के ऊपर जो अटैक था बॉलिंग अटैक था उन्होंने वो शुरू में किया ही नहीं यार, लास्ट में क्या करोगे जब पूरी जो इतने रन का स्कोर खड़ा कर दिया, बाद में फिर भी बुमराह ने कोशिश करके कम ही रन दिए थे, ज़्यादा रन नहीं दिए थे, लेकिन फिर भी टीम मैच हार गई, वो सारी गलती हार्दिक पांड्या की है। तो भाई मुंबई इंडियंस को चाहिए कि दोबारा रोहित को कैप्टन बनाए, किसी न किसी तरह कुछ भी करे हो यार अगर टीम को बचाना है तो, नहीं तो मुंबई इंडियंस की भाई ये ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल अपना चैनल सब्सक्राइब करना, तो अगली वीडियो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।